मेरा आखिरी सवाल है वो ये है कि जो पूरी फाइनेंशियल एडवाइजर की कम्युनिटी है आप जैसों की, उनकी क्या राय है इस कैटेगरी के बारे में, क्योंकि काफी समय के बाद हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक कम्प्लीटली नई कैटेगरी आ रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक सवाल आपने पूछा अपनी, बिकॉज काफी समय के बाद वही पुराने एक हम सिस्टम से गुजर रहे थे कि सालों से हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इंडेक्स फंड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, और जैसे इंग्लिश में कहावत है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स करके सारे चीजें आ रही थी काफी सारे कारणों की वजह से। कोई बुरी बात नहीं, अच्छी मार्केट है, लोग ज्यादा निवेश कर रहे हैं, लेकिन बहुत समय के बाद एक ऐसी कैटेगरी आई है जिसमें हमें खुद का और निवेशक का एक बहुत ही शार्प माइंडसेट रख के चलना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी और ऐसी सलाह देनी पड़ेगी जो निवेशक के भले के लिए हो, और अगर हम उसमें निवेश की सलाह देते हैं तो उसको फायदा भी हो और हैंड होल्डिंग भी हो। तो ये एक अच्छी कैटेगरी कही जा सकती है उनके लिए जो रिस्क और रिटर्न्स को समझते हैं और एडवाइसर का महत्व भी समझते हैं। तो एडवाइसर के तौर पे इस कैटेगरी या इन जैसी कोई भी अगर आने वाली समय में कैटेगरीज हैं जिसमें हमें थोड़ा हटके सोचना पड़े तो वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली एडवाइसरी के लिए एक इंटरेस्टिंग एक बात हो जाती है।